आवर टॉपिक वुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल सिक्योरिटी पे आज हम बात करेंगे. नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी पेंसिल, भाई साहब, महाराज साहब, मालिक लोग, रजिस्टर पेन लेके बैठा कीजिए. जो भी चीजें मैं देता हूं उनको नोट्स बना लीजिए, लिख लिया कीजिए, क्योंकि याद रहेगा, वरना पता चला सब प्रवचन हुआ बाबा का और उसके बाद में सब स्वाहा यहां से गए, क्योंकि बिजी लाइफ है आजकल. अटेंशन स्पैम अटेंशन बहुत बहुत शॉर्ट हो गया लोगों का, रखे ही नहीं, भूल जाते, यूं गायब सब. क्या कहां है, क्या है, दो मिनट में करने क्या जाते हैं, करने क्या लगते हैं. फेसबुक और व्हाट्सएप में मैं मोबाइल खोलता हूं, मैं सोचता हूं यार ये करूंगा, और करने में पता नहीं क्या लग जाता. वो देखता, ओए दो घंटे हो गए, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट, पता ही नहीं चलते टाइम कहाँ गया, और करने में क्या जा रहा होता हूँ, करने क्या लगता हूँ. तो वो अटेंशन नहीं है आजकल, बिल्कुल अटेंशन गायब है, है ना. ठीक ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट स्कीम्स, है ना, सोशल सिक्योरिटी. अब ये नोट करिएगा, नोट करिए क्या क्या चीजें हैं. एक हमने बात की है सोशल सिक्योरिटी, एक हमने बात की है माइनॉरिटी वेलफेयर. कल हमने माइनॉरिटी के बारे में बात की थी, अब ये माइनॉरिटी में कौन कौन सी हैं. अलक्ष्य स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल, क्रेडिट स्कीम फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन NMDFC, अदर मिनिस्ट्रीज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज वेलफेयर, ओवरव्यू ऑफ माइनॉरिटीज, कम्युनिटीज इन इंडिया, पॉलिसीज एंड एक्ट, प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण और स्कीम्स और सेवा भोज योजना. ठीक है, एक तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई. नेक्स्ट है आपका, देखिए एक चीज समझ लीजिए, हम डेली डेली एक एक टॉपिक उठाएंगे और डेली डेली एक एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे. टॉपिक आप बताइएगा कि ये वाला, ये वाला, वो वाला, ये वाला, वो वाला, तो वो कवर होते रहेंगे. ठीक है, मैं आज आपको नोट करा रहा हूं, आप मुझे याद दिलाइए. ट्राइबल में जो लोग वर्क करना चाहते हैं वो ट्राइबल लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, है ना. कल्चर में जो लोग काम करना चाहते हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो काम करना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें जो लोग काम करना चाहें कर सकते हैं, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम और बहुत से रहते हैं. ठीक है, ये नोट करते रहिएगा, जो जो से प्रोग्राम्स हैं उनमें हम एक एक करके पूरा डीप नॉलेज लेंगे और ए टू जेड नॉलेज लेंगे. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक एक पकड़ लेंगे. आप बताइएगा तो मैं एक एक को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या है, कहां से क्या. ठीक है, नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉलिसीज एंड एक्ट्स बात करेंगे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, टेक इनोवेशंस बाय एनजीओज फॉर सोशल चेंजेस. ठीक है, राष्ट्रीय युवा, क्या है ये, साक्ष, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं इसकी स्पेलिंग लगा के फिर आप लोगों को देता हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं. साक्षीकरण कार्यक्रम, पता नहीं कौन सा कार्यक्रम है, सशक्तिकरण कार्यक्रम है, चश्मा लगाना पड़ेगा मुझको. रूरल पॉवर्टी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेलफेयर है, थोड़ा नोट करते रहिएगा. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडियन सिटीजन, ये एक प्रोग्राम है. सीनियर सिटीजन वेलफेयर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ह्यूमन राइट्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है,
शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर है, स्किल डेवलपमेंट है, फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स है, ये सब प्रोग्राम्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं, आपको जिसमें जो सा कैच करना है आप करिए, जिसमें काम करना है। कल हमने बात की थी ना, वो जो उसके लिए बात की थी हमने एक्टिविटीज के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, तो पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम्स दे रहे थे, पता नहीं कौन कौन से, इस ऐसे ऐसे दीजिए भाई प्रोग्राम, ऐसे नाम मतलब सुन के लगे कि अरी गजब क्या नाम है संस्था का, और एक्टिविटीज मतलब इंप्रेशन पड़े भाई, ऐसे थोड़ी ना ऐसी कुछ भी खड़े हो गए स्पीच देने लगे, नहीं, एक वर्ड होता है इफेक्टिव, एक होती है स्पीच और एक होती है इफेक्टिव स्पीच, है ना। तो इफेक्टिव वर्क होना चाहिए आपका, कमेंट में लिखिए EF, जल्दी जल्दी फटाफट चैट स्टार्ट। गुड इवनिंग, हाँ आई माइक ऑन, सिर्फ F नहीं भाई, EF से तो दूसरी चीजें हो जाएंगी, है ना, EF, हाँ, दो तीन चार, और मिनाल जी ने लिखा है, शेंडेलिया फाउंडेशन ने लिखा, और भाई भाई लोग उंगलियों में अगर दर्द है तकलीफ है तो अलग चीज है, अंगूठा है, हाथ है, अगर उंगलियों में कुछ दिक्कत है, हाँ लव यू मैन वजाहत जी, हाँ ठीक है, सूज गई है, जाड़े में सूज जाती बहुत सारे लोगों की उंगलियां पैर हाथ, तो फिर अलग बात है, और अगर उंगलियों में दर्द नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, 50-55 के अंदर है ऊपर है, तो वो होता है ना, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, निगाहें नहीं काम करती हैं, जैसे मेरे साथ में है, ये उम्र का तकाजा होता है, इसको बोलते हैं उम्र का तकाजा, बस गायब, ठीक है। कहां तक पहुंचे थे हम, फाइट अगेंस्ट सोशल इविल, सोशल शेड्यूल, कास्ट वेलफेयर, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, अ गाइड टू गेट योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। हाँ एक चीज और, ये जो डिजिटल लाइफ है भाई, इसको पकड़ लीजिए, डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजी टाइप करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में टाइप कीजिए, डीजी स्टार्ट, उंगलियों में दर्द फिर से शुरू, डीजी, हाँ दो तीन चार लोग मुझे दिख रहे हैं बस एक्टिव, डीजी, अतुल जी सिर्फ डीजी, DIGI, अतुल जी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने कहा लो ये गियर एकदम 80 की स्पीड में डिजिटल, अरे वाह वृद्धि सोशल प्रोजेक्ट, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरा आपने लिखा, आपकी उंगलियों में ज्यादा वो है, है ना जी ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका अर्बन, ये हो गया हाँ, कम्युनिटी पावर, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं पार, कहते पावर नहीं भाई, पार बोलो, पार इंग्लिश वाले हमारे सर बेचारे, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक। ये इकरा जी बार बार क्यों 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 निकल जाते हैं भाई, दो तीन तीन आईडी आपकी दिख रही हैं, कितने लोग हैं आपके साथ में, एक आईडी से कितने लोग ज्वाइंट हो रहे हैं, बार बार वो बाहर क्यों चले जाते हैं वेटिंग रूम में, फिर दिख रहे हैं वो छूट जाएगा सब, है ना, मूव मत हुआ कीजिए। अगर मैंने कहा आपको नेटवर्क नहीं आता है, आपको कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप मुझे एक मैसेज करा करिए, इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं भेज देता हूँ, फिर आराम से बैठ के देखते रहिए, बार बार रिप्ले करते रहिए, ये जो सामने बोल रहे हैं ये आपके इशारे पर नाचेंगे 20 बार, आप इनसे ये फिर बोलो, ये फिर बोलेंगे आपके, ये बार बार बोलो, वो बार बार बोलते रहेंगे, गुस्सा भी नहीं करेंगे, ऐसी मुस्कुरा के बस बार बार उनको नचाते रहिए, है ना जी ठीक। तो अब इतनी चीजें हो गई, अब हम यहां पर से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्टर अपना नोट करिए, देखिए मैं आपके सामने 4-6 सेक्टर कवर कर रहा हूं। नंबर 1 पे मैं कवर करूंगा एजुकेशन सेक्टर, फिर हम करेंगे सोशल वेलफेयर सेक्टर, फिर हम करेंगे हेल्थ सेक्टर, फिर लास्ट में करेंगे एग्रीकल्चर, अगर आप बोलना तो एग्रीकल्चर हम पहले कर देंगे, जो सा आप बोलेंगे आपका है, वो जो कुछ है सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, ठीक है ठीक। और अपनी अपनी स्टेट्स की, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स की, हाँ जो बोलेंगे आप वो मिलेगा, अपनी अपनी स्टेट्स की, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की, आप जैसे स्कीम्स हैं, स्कीम्स फॉर अकेडमीज, नोट करते रहिएगा, स्कीम्स फॉर चाइल्ड वेलफेयर, स्कीम्स फॉर अनएम्प्लॉयड एंड पुअर, ईयर एंड रिव्यू ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज पे भी हम फोकस डालेंगे, स्कीम फॉर अकेडमीज, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये बहुत अच्छा भारत अभियान चल रहा है, इस पे अगर कोई काम करना चाहता हो, हाँ कर्नाटका के लिए भी है, हर स्टेट के लिए है, देखिए
ऑल स्टेट्स हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर 0 से 6 ईयर, 7 से 15 साल, 16 से 30 साल, 31 से 58 साल, 58 साल और उसके ऊपर, उनके लिए भी है। ऑक्यूपेशन में देख लेंगे, फार्मर है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंटरप्रेनर है, अकेडेमिशियन है, रिसर्च है, सोशल वर्कर है, ठीक है, इनके लिए है। एनुअल फैमिली इनकम नोट करते रहिएगा, ये सब लिखते रहिएगा, लेस देन 1 लाख है, 1 to 5 लाख है, 2 to 5 लाख है, 5 लाख एंड अबव है, उनके सबके लिए, ठीक। कैटेगरी में है, जनरल में आते हैं, उनके लिए अलग है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब अलग अलग, तो जो आप बताएंगे वो रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपर्क वाला है, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस है, टीएमए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स है, ठीक है, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर है, ओरुनुदी और अरुनुदी स्कीम, पता नहीं कौन कौन सी है, मैं पढ़ भी नहीं पाता हूं जी, ठीक है, स्कीम्स फॉर सिर्फ वुमेन, स्कीम्स फॉर स्टूडेंट, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम, स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, स्कीम फॉर फार्मर्स, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्कीम्स फॉर कमिटीज, जो आप बोलेंगे वो होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक, नेक्स्ट है हमारा, एक वर्ड होता है आरटीआई, कितने लोग जानते हैं आरटीआई, आरटीआई किसको मालूम है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो बोलते हैं कि सर आप जो बताते हैं स्कीम, हम उसके लिए ऑफिस में जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं और अधिकारी कहता है कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि नई रोशनी है और माइनॉरिटी का जो ऑफिस है यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अगर आप वहां जाएंगे, हाँ राइट टू इंफॉर्मेशन जी, तो अगर आप वहां जाएंगे और अगर वहां पे आप ये स्कीम के बारे में पूछेंगे और अगर अधिकारी मना कर रहा है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप आता है ये आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये आप कहां से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ई गवर्नेंस। हाँ, आई एम आरटीआई एक्टिविस्ट, फर्स्ट आरटीआई एट द एज ऑफ, हाँ अरे वाह, वजाहत जी हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप लोग इनसे कांटेक्ट करिएगा। अगर निरुपमा मैम हैं, निरुपमा मैम मीटिंग में हैं, निरुपमा मैम मीटिंग में अगर हैं तो प्लीज यस करिए, यस, हाँ बोलिए, मुझे दिख नहीं रही है मैडम, पूछ तो रही थी मीटिंग के लिए, मुझे दिख नहीं रही है। अगर आप हैं तो इनसे वजाहत से आप कॉन्टेक्ट करिएगा, वो जो है ये आपको बताएंगे कि आरटीआई के, हाँ है मैडम है, देखो आ गया, यस आ गया, आप मैडम इनसे कांटेक्ट करिए, वजाहत जी इनका मैडम का आरटीआई डलवा दीजिएगा, इनको कई ऑफिसेस में जाते हैं और वहां से बोल देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अधिकारी के लिए जब आप आरटीआई लगाएंगे ना तो वो उसको लिस्ट देना पड़ेगी कितनी स्कीम्स वहां पे चालू हैं, कौन कौन से एनजीओज हैं, क्या क्या वर्क कर रहे हैं, पूरी पूरी फाइल देना पड़ेगी उनको। आप लोगों के लिए आराम है, एक पॉइंट आज मिल रहा है बहुत तगड़ा, नोट करिए, आपको देखना है ना कि फाइल कैसी है आपको, हाँ इनका नंबर नंबर नोट करिए, लव टू हेल्प नंबर इनका, हाँ वजाहत सर कैन यू शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर, प्लीज, उन्होंने कर दिया है, बाकी मैं वजाहत को एडमिन बना दूंगा ग्रुप में, तो वजाहत से नंबर आप लोग ले लीजिएगा सब लोग और सब कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा कि आरटीआई कैसे डालेंगे। अब पता है पूरी पूरी फाइल आपको मिल जाएगी, पूरी फाइल आपको मिल जाएगी और पूरी फाइल में आप देख लीजिए कैसे लोग सबमिट करते हैं, क्या क्या है, कितने लोगों ने, कितने एनजीओ आपके शहर में हैं जिन्होंने सबमिट कर रखा है, उनका पूरा बायोडाटा, पूरा रिस्ट, और ये आपका अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन, तभी कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में जुड़िए। ह्यूमन राइट्स की किट कितने लोगों को मिल गई है, ह्यूमन राइट्स की किट जितने लोग आज लोग मीटिंग में हैं, ह्यूमन राइट्स वाली किट कितने लोगों को मिली है, ये वाली ह्यूमन राइट्स वाली कितने लोगों को मिल गई है, जिनको मिली है वो आई लिख दें, आई आई, जिनको मिली है किट, जिन लोगों को मिली है मीटिंग में है वो लोग आई लिख दें, आई, नॉट रिसीव नहीं लिखना है, जिनको मिली है वो लिखिए, हाँ नहीं मिली नहीं लिखना है, आई लिखना है। देखो निरुपमा मैम को मिली है सिर्फ, बाकी लोगों को नहीं मिल पाई, भाई साहब मैंने 3000, हाँ अकॉर्डिंग ही, हाँ 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 ठीक, लीना मैम को मिला है, ठीक है, 3000 लोगों को पहुंची है ये 3000, बाकी लोगों को भी पहुंच रही है, सबको पहुंच जाएगी फटाफट फटाफट, एड्रेस में यूएसए से है,
नहीं मिला नहीं लिखना है भाई, भाई 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 साहब मालिक लोग, नहीं मिला है वो नहीं लिखना है, वो मुझे पता है। मैं ये देख रहा हूँ कितने लोगों को मिल गई, जो आज मीटिंग में है उनको कितने लोगों को मिली है, क्योंकि मैं फिर बाकी लोगों को भेजूंगा, जिनको नहीं मिला है वो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, सिर्फ मुझे ये भेजिए किनको मिला है, बाकी मैं समझ गया ना, बाकी नहीं मिला किसी को, तो ठीक है मैं भिजवाता हूँ। ठीक है, तो ये है आज का इतना, बस हमको लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है। सिटीजन एक्सेस, मोबाइल गवर्नेंस है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन है, स्टेट्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, रिसोर्सेज ऑफ हैं, जितने भी आपको हैं सिटीजन और जो कुछ है वो सब हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक, रिसोर्स फॉर VLES विमेन एंड ई गवर्नेंस जो भी है। हाँ सर, कोई प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की के लिए तो बात कर रहे हैं मैडम, भाई सर सुनिए, ये हम लोग जो बात करते हैं ये प्रोजेक्ट के लिए। अब जैसे अभी आज मैंने इतने इतने मैंने ये सब आपको बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, ये अलग है, ठीक है, उसके बाद में जितनी भी आज मैंने अभी बातें की हैं वो सब स्कीम्स के ही लिए, प्रोजेक्ट के ही लिए हैं, राइट टू फूड है ना, लीगल एड, स्पोर्ट्स, अटल, ये तो पेंशन वाली आ गई, ये नहीं, वो जो दूसरी मैंने नहीं अभी बता रहा था, ये जो अभी मैं बात कर रहा था नई रोशनी और ये सब जो आप लोग को पता है, तो इसमें इसमें ही आप देखिए कौन कौन सी स्कीम में डालेंगे। अब जैसे नेशनल माइनॉरिटी एक ऑफिस है, ये है नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब इसमें जो जो स्कीम्स हैं, अब वही मैंने कहा है ना कि डेली डेली हम एक एक टॉपिक पकड़ेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो आप बताइएगा मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पकड़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स डेली मुझे लेके चलना है। अब माइनॉरिटी में कितने लोग आते हैं, माइनॉरिटी में कितने लोग आते हैं आप लोग बताइए, माइनॉरिटी में कितने लोग आते हैं, नंबर 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 टाइप कीजिए, नंबर टाइप कीजिए, एक लोग आते हैं, दो लोग आते हैं, तीन लोग आते हैं, चार लोग आते हैं, नंबर डालिए, 1 2 3 4 5 वन से नंबर डालिए, माइनॉरिटी में एक लोग आते हैं, अच्छा तीन लोग आते हैं, ठीक है, अच्छा और तीन तीन, अरे वाह, छह लोग भैया कौन आते हैं जरा बताओ, छह लोग वजाहत जी, छह लोग बताइए कौन आते हैं जरा, छह लोग बताइए, सात लोग गैलेक्सी टैब, अरे वाह सात लोग भैया कौन, सात लोग आते हैं, अंधी तुक्की झोंके रहो है, आदमी कह रहा अंधी तुक्की झोंको, तुम पांच लिखो हम सात लिखे, तुम दस लिखो तुम, कोई ना कोई तो लगेगा, बस अंधी तुक्की है, जैसे एग्जाम में नहीं, एग्जाम में ऐसे करते अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कौन सा है ऑप्शन वाले में, ये वाला, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये, अरे भाई ऐसे नहीं, पांच लोग हैं, सिर्फ पांच लोग मुस्लिम्स हैं, पांच लोग हैं, ये तीन दो पांच ही तो हुए, तो छह छह कहां लिख रहे थे, अरे क्रिश्चियन और ईसाई एक ही होते हैं, हाँ फाइव फाइव, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अरे सॉरी नहीं भाई, सॉरी और नहीं ना, सॉरी ना, पूरी कचौरी आलू ये सब कुछ नहीं, ठीक है जो है वो ठीक है, हम सीखने ही आते हैं यहाँ पे, हम कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब सीखते हैं सब ऐसे ही, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपनी नॉलेज अच्छी रखिए, क्योंकि अधिकारी के सामने आप जाएंगे ना, अधिकारी ने मान लो पूछ दिया कि बताइए आप माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहे हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी है, अब आप लटक गए, वो कहेंगे इनको कुछ आता नहीं, इनको टहला दो, और आपको मालूम आप खड़ा 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 बोलेंगे, है ना, नॉलेज इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, आज का डिजिटल दौर है, डाटा फेसबुक है, फेसबुक फेसबुक क्यों क्यों हिट है, आप बताइए फेसबुक क्यों हिट है, आपको मालूम है फेसबुक क्यों हिट है, फेसबुक कोई भी एक पोस्ट नहीं करता है, एक भी पोस्ट नहीं करता है, और फेसबुक हिट क्यों है, क्योंकि उसके पास है डेटा, आजकल डेटा डिजिटल डेटा का जमाना है, Airbnb के पास एक भी मकान ओन नहीं है उसके पास, लेकिन सबसे ज्यादा मकान किराए पे देता है, सबसे ज्यादा होटल किराए पे देता है Airbnb, सर सिक्स ही हैं, कौन कौन से हैं सिक्स, हमको नहीं पता है, छठा बताइए कौन सा नाम है, सिक्स नाम कौन सा है, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बुद्धिज्म हो गए, जैन हो गए, अरे क्रिश्चियन हो गए भाई, देखो मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिज्म और जैन, बस पांच ही तो हैं, अरे कर लेंगे उसमें, पांच ही हैं, पांच हैं, पांच छह हैं तो छह लिख के भेजिए, एक मुझे नहीं मालूम है तो मुझे मालूम हो जाएगा, मैं सीख लूंगा कौन सा है एक छठा, ठीक है, हाँ छह लिख के भेज दीजिएगा मुझे, व्हाट्सअप करिएगा, मैसेज करिएगा, मुझे पांच ही बता दें, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, इनकी पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए, है ना, सेंसस पता होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन इन करोड़, करोड़ में पॉपुलेशन पता होना चाहिए। अब इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो समझेंगे, स्कीम एंड प्रोग्राम्स ऑफ एनएमडीएफसी। एक तो है लैंडिंग स्कीम, ठीक। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इनमें मिलता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइंड, टेक्निकल ट्रेड, स्मॉल बिजनेस, आर्टिशन एंड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर है, लोन अमाउंट है इसमें, रेस्ट ऑफ इंटरेस्ट बेनिफिशियल है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। पढ़ने का मन भी नहीं करता है मेरा। एक है माइक्रो फाइनेंस स्कीम, है ना, ये है आरएमकेसी, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रुप्स के लिए है, जिनके पास ग्रुप्स हैं, लेडीज हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए मजा ही मजा है। SHG जिनको बोलते हैं, महिला समृद्धि, एक है प्रमोशनल स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम है इनके लिए, मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम है। हाँ ठीक है, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, अरे वाह अच्छे हैं, ठीक है, हाँ मैं भी भूल गया था, ठीक, गुड, बिल्कुल सही है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, छह हैं, ठीक है, वेल डन, वेरी गुड, सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वजाहत, यू आर ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना, यू आर बॉस, ठीक है। मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, असिस्टेंस फॉर डिजाइन डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन, ठीक। अब इनमें एग्रीकल्चर में और अलाइंड सेक्टर में क्या क्या है, इनका पूरा पूरा ब्यौरा है। तो अब इस तरीके से आपको पूरा पूरा सब लिख के देना होगा, कौन कौन सा क्या क्या देना होगा, A to Z देना होगा, है ना। अब स्मॉल बिजनेस सेक्टर में कौन कौन से आएंगे, फूड वेयर शॉप है, फूड वेजिटेबल है, ये सब है, फोटोकॉपी, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल ट्रेड सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम ऑफ ये NMDFC जो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स के लिए ये चलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा, अब धीरे धीरे, हाँ, और जो हमने बात की थी, अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने डिपार्टमेंट पकड़ा माइनॉरिटी वेलफेयर, ठीक है। अब माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए आप नोट कीजिए, स्कीम्स एंड लीगल अवेयरनेस कौन कौन से हैं। अब इसमें है स्कीम्स नई रोशनी है, इनकी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, फ्री कोचिंग है इनके लिए, सीखो और कमाओ है, लर्न एंड अर्न, जियो पारसी है, पारसियों के लिए जियो पारसी है, पढ़ो प्रदेश है, ठीक है, ये एमफिल और PhD लेवल के लिए है, फॉर ओवरसीज स्टडीज एंड मास्टर्स, बहुत अच्छी स्कीम है ये, नालंदा स्कीम है, माइनॉरिटी साइबर ग्राम है, मौलाना आजाद सेहत स्कीम है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड्स ये स्कीम है, शादी मुबारक स्कीम ऑफ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना के लिए अलग, क्योंकि अलग अलग है बहुत सारी स्कीम, ठीक है। एक है उस्ताद स्कीम, एक है हमारी धरोहर, एक है ख्वाजा गरीब नवाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत सारी स्कीम्स हैं, नई मंजिल है, स्ट्रेंथन ऑफ स्टेट वर्क बोर्ड है। तो अब इनकी आपको तैयारी करना है, अब नई रोशनी है, तो नई रोशनी में क्या क्या है, द स्कीम ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन। अब नई रोशनी में क्या चीज है यहाँ पे, माइनॉरिटी, हाँ वो बुक देखो नहीं मिल पाई है, PDF बहुत लोगों को नहीं मिल पाई है, कुछ लोगों को मैं भेज पाया हूँ नई स्कीम, नई रोशनी वाली, बाकी लोगों को नहीं भेज पाया हूँ, भेजता हूँ जल्दी, ठीक है। तो अब इसका जो टाइटल होगा, इसका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा, वो किस किस लेवल पे होगा, किस आधार पे होगा, आप बताइए, वो इस आधार पे होगा, द स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी। अगर मैं दिन भर मीटिंग चलाऊ ना, दिन भर क्लास चलाऊ ना, हाँ मुझे किताब कब तक मिल जाएगी भाई साहब, मैडम, मालिक साहब, लोग सब लोगों को सारी चीजें, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, ठीक है, तो मिलेगी, मिलेगी सबको, मिलेगी, जरूर मिलेगी, बस थोड़ा सा टाइम लगता है ना। मैं दो वर्ड बोलता हूँ, एक है सब्र, धैर्य, पेशेंस, है ना, वो रखिए, मैं बहुत तेजी में भेजता हूँ, 3,000 लोगों को, 300 लोगों को, एक एक दिन में, एक साथ, आज भी ये देखो कई सारी पोस्ट पड़ी हुई हैं, ये देखो सब पोस्ट पड़ी हुई है ना, ये है ये सब, तो वो करना पड़ता है और टाइम होता है कम, ठीक है, फ्री कोचिंग, ठीक है। तो अब आप डिसाइड ये करिए कि कौन से दिन में, मतलब
आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, डेली डेली जो हम बात कर रहे थे कि अब जैसे हम एक चीज पकड़ेंगे तो डेली वाले जो पकड़ेंगे डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर हैं उनको पकड़ लेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन है उनको पकड़ लेंगे, ह्यूमन राइट्स हैं तो उनको पकड़ लेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आप किसी आपदा आपदा पे काम करना चाहते हैं तो उसको पकड़ लेंगे, है ना। हाँ मिल जाएगी, सबको मिलेगी, जल्दी मिलेगी, बहुत जल्द। ठीक, तो इस तरीके से है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप और जितनी भी है सब नोट कर लीजिएगा, तो उसको हम पकड़ेंगे एक एक। अब उसमें जैसे स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, तो इसमें स्कॉलरशिप के लिए मालूम होना चाहिए कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक है, मैट्रिम कम मीन्स है, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप है, बहुत सारे लोग थे मुझसे स्कॉलरशिप के लिए, बहुत लोगों ने कॉल किया था। फाउंडेशन है MAEF फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास, कौन कौन से क्लास के लिए है, फ्री कोचिंग है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है। द स्कीम एम टू एम्पावर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज बाय असिस्टिंग द इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, तो ये है इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स देंगे, फिर आपको फुल इंफॉर्मेशन कि जो फ्री कोचिंग और अलाइन स्कीम है फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन पूरी होना चाहिए। कमेंट में एक बार लिखें इंफॉर्मेशन के लिए, लिखिए IN, इन लिखिए इन, पूरी इंफॉर्मेशन। देखें सो गए जाग रहे हैं सब लोग, लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट टाइप कीजिए इन, IN, एक दो तीन, तीन लोगों के बस रिस्पॉन्स आए, बाकी सब सो जाते हैं लीड लगा के। चार पांच, इंफॉर्मेशन वृद्धि जी आपका फिर एक बार दिल से इस्तकबाल, इन इन इन, बस 14-15 लोग हैं पार्टिसिपेट, 14 लोग हैं और आ रहे हैं सिर्फ दो तीन चार कमेंट। भाई साहब उंगलियों में दर्द है, हटा दीजिए, जो इतनी इतनी वो है तो वो फिर समझ लीजिएगा, फिर वो मेरे मुंह से फिर दूसरे वर्ड भी निकलते हैं, है ना, इतना वो नहीं सही है। ठीक है, तो अब जैसे सीखो और कमाओ है, लर्न एंड अर्न, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 23rd September 2013 लॉन्च ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए, जियो पारसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, उसके मेन फीचर्स होना चाहिए, 100% कैसे होगा क्या होगा, टारगेट ग्रुप होना चाहिए, वो A to Z आपके पास, अबाउट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत सारी चीजें, बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्टिव है, पता नहीं क्या क्या है। तो जो चीज आप पकड़ेंगे, एक चीज हम पकड़ लेंगे, उसका पूरा नोट्स बनाएंगे, उसकी पूरी फाइल बनाएंगे, रेडी करेंगे, उसको हमको भी मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा, अब ऑफिस में आप जाएंगे तो आप कम से कम बात तो कर पाएंगे कि सर ये है, ऐसा है, ऐसा, वो समझ जाएगा कि ये बंदा पढ़ के आया है और इसको नॉलेज है, तो इसको हम नहीं चला पाएंगे, है ना। फिर आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, और धन्यवाद देते रहा करिए आप लोग भी, जो लोग शुक्र अदा करते हैं लोगों का, चीजों का, उनकी चीजें बढ़ती हैं, है ना, जो नाशुक्रे होते हैं उनकी चीजें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो हर किसी का धन्यवाद दिया कीजिए, हर एक का शुक्र, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेमतें, आपके पास चीजें बढ़ती रहें, आभार प्रकट करा के दिया, आभार प्रकट करना बहुत अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।